नमस्कार दोस्तों हैपी स्ट्रेडिजून में आपका स्वागत है और आज बहुत ही शानदार सेशन देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ से आप एक से दो क्वेश्चन कंफर्म करेंगे हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है राइट खास करके वन डे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और रिसेंट जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए काफी सुपर इम्पोर्टेंट होगा राइट तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है सभी को आंसर कीजिएगा और काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपको ये देखने को मिलता है उदाहरण के भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी कोई वेरी इजी क्वेश्चन और मेरे अमेरिका से सभी को इसका आंसर कर सकते हैं फटाफट से सभी को जितने भी है आंसर करने की कोशिश कीजिए कीजिएगा ओके okay. तो सभी की तरफ से इसका आंसर आना शुरू हो गया है और अच्छी बात है कि सारे लोग आंसर कर रहे हैं ठीक है चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और डी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं लखनऊ लखनऊ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही करेक्ट आंसर अब देखिए लखनऊ से और क्या-क्या ध्यान -क्या रखा जा सकता है वो हम लोग देख लेते हैं लखनऊ से और भी अनुसंधान संस्थान जो आप ध्यान रख सकते हैं सबसे पहले तो सेंट्रल ड्रग सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रख लीजिएगा सेंट्रल ड्रग ये आपको जरूर ध्यान रखना है थोड़ा सा वेट कीजिए ओके तो सबसे पहला आपको याद रखना है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट उसके बाद दूसरा जो आपको याद रखना है यहां से वो विश्वविज्ञान औषधि विश्वविज्ञान विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान याद रखना जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए कम से कम दो आप यहां से जरूर याद रख लीजिएगा दिल्ली में बहुत सारे अनुसंधान संस्थान है मैं नाम बोल दे रहा हूं अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या ध्यान से सुन लीजिएगा दिल्ली में आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है उसके बाद बल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट आपका दिल्ली में है एम्स सभी को पता है दिल्ली में है सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका दिल्ली में है ये भी ध्यान रख लीजिएगा और भारतीय मौसम विज्ञान वेदशाला ये कई बार आपसे पूछता है मौसम विज्ञान वैद्यशाला तो ये सारे का सारा आपको दिल्ली से याद रखना जो हर बार पूछा जाता है अगर बेंगलुरु से एक आप याद रखना चाहे तो क्या याद रख सकते हैं याद रख लीजिएगा नेशनल एरोनोटिकल लेबोरेटरी ये बेंगलुरु से आप ध्यान रख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से भी क्वेश्चन आपका रहता है ठीक है अगर मैं पूछ लू कि चेन्नई से एक आपको कोई बताना है तो चेन्नई से आप क्या बताना चाहेंगे बताइए एक कोई भी आंसर कीजिएगा चेन्नई से कौन सा याद रखना चाहेंगे चेन्नई से याद रख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई तमिलनाडु से आपको कम से कम इतना ध्यान रखना है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ऐसे इस प्रश्न का उत्तर आपने कर दिया था और जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन या तो एनसीआर बेस्ड होंगे या तो प्रीवियस ईयर के केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये आपको आंसर करना है और सभी को इसका आंसर कीजिएगा अभी तुरंत हमने बताया था कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहाँ पर है स्थित है वेरी गुड इसका दिल्ली आप आंसर कर रहे हैं और जितने भी दिल्ली आंसर कर रहे हैं दिल्ली इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और दिल्ली से अभी हमने क्या क्या बताया है वो नोट करिए जरा दिल्ली से सबसे पहले आपने बताया नई दिल्ली से और या दिल्ली से आप दोनों में समझ लीजिए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका एक नई दिल्ली में याद रखना है दिल्ली में याद रखना बल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट उसके बाद याद रखना है एम्स और एक रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट तो है ही और एक मौसम विज्ञान जरूर याद रख लीजिएगा मौसम विज्ञान भी आपसे पूछ लिया जाता है कृषि अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कई बार आपसे पूछा है तो दिल्ली से ये भी याद रख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज भी आपका नई दिल्ली में है तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है और लखनऊ से हमने क्या क्या बताया लखनऊ से एक औषधि औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान याद रखेगा एक ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सारे के सारे लखनऊ में है जो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है जरूर याद रख लीजिएगा राइट चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर थ्री इसका आंसर कीजिए भारतीय की भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद कहां पर अवस्थित है क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर कीजिए और सभी को आंसर कीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल ये देहरादून में है और जितने भी देहरादून आंसर कर रहे हैं देहरादून अब देखिए देहरादून से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है ना वो आप लोग एक बार ध्यान से कम से कम सुन लीजिए लिखने में थोड़ा समय लग जाता है इसलिए मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ भारतीय पेट्रोलियम संस्थान याद रख लीजिएगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पहला दूसरा आपको याद रखना है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान तीसरा आपको याद रखना है क्या यहां से अगर आपसे अधह की बात कर रहे हैं चलिए एक आप बताइए कम से कम एक आप बताइए ठीक है दो हमने आपको बता दिया एक याद रखना है भारतीय पेट्रोलियम और एक वन दो तो आपको बताइए ठीक है चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर आपने कर दिया था ऑप्शन नंबर ए और ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट नई दिल्ली से हमने बता दिया नई दिल्ली से कौन कौन से याद रखना है एक तो सड़क अनुसंधान संस्थान आपको नई दिल्ली से याद रखना है एक आपका आ, मौसम मौसम भारतीय मौसम विज्ञान आपको याद रखना है मौसम का रिवीजन करते जाना है ताकि आपको चीजें याद हो जाए कृषि अनुसंधान संस्थान कब खुद याद रखना ही है यहाँ से एक मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखना है आपको मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में याद रखना है कम्युनिकेशनल डिजीज आपको याद रखना है और उसके बाद एक चेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको दिल्ली से याद रखना है तो दिल्ली से इतना जरूर याद रख लीजिएगा यहीं से क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के पूछ सकता है ठीक है ओके okay. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बताना है सूची ए को सूची दो के साथ आपको मिलान करना है और इसका आंसर आप दीजिएगा मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया है है बताना कि में कौन सा मिलान गलत है गलत मिलान की पहचान कीजिए और इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर फोर का तो देखिए केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ये रुड़की में है ये बिल्कुल सही है राइट उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है ये भी बिल्कुल सही है तो दोनों तो सही हो गया केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अभी हमने कहा बताया था हमने बताया था अभी लखनऊ में अगर आपको ध्यान है ये हमने लखनऊ में बताया था और लखनऊ में ये बिल्कुल सही है केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो ये धनबाद में है और ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में भी कहां पर है तो ये जलगुड़ा में है जलगुड़ा ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट लखनऊ में क्या क्या हमने अभी बताया है बताइए लखनऊ में हमने एक ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया है जो आपको याद रखना है ड्रग रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट उसके बाद नेशनल बॉटनिकल और एक औषधि औषधि औद्योगिक विश्वविज्ञान विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान तो ये सारे के सारे आप याद रख सकते हैं लखनऊ से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा राइट चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये गलत मिलान है तो सी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि सी जो है वो गलत है अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा लेट से आपके सामने आया हूं तो आप देख रहे होंगे आवाज से भी पता लग रहा होगा थोड़ा खैर आपको आपका एग्जाम है दस को इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूं आप एक बार रिवीजन करके जाइएगा एक आध क्वेश्चन तो पक्का मिलने वाला है यहां से आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जोधपुर जितने भी आंसर कर रहे हैं जोधपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो जोधपुर जितने भी आंसर कर रहे हैं जोधपुर इसका सही आंसर राइट ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा आंसर कीजिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये आपको बताना है तो सिक्स का वेरी इजी ये कई बार आप एग्जाम में देखते हैं लखनऊ में है ऑप्शन नंबर ए आप आंसर कर सकते हैं देखिए आपको यहाँ पर कोयम्बटूर से कभी भी कोयम्बटूर से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहां पर जो है ना गन्ना प्रजनन केंद्र है कोयम्बटूर से याद रख लीजिएगा कंफ्यूज नहीं होना आपको गन्ना प्रजनन केंद्र है ठीक है ये आपको याद रखना और गन्ना भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछेगा तब आप लखनऊ आंसर करेंगे लेकिन गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान आंसर करेगा तब आप कोयमबटूर करेंगे ये दो अलग अलग चीजें हैं जो आपको याद रखना कोयमबटूर है कहां पर बताइए कोयमबटूर आपका है तमिलनाडु में ठीक है ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां पर है बताइए कॉफी कॉफी के लिए कौन सा जगह फेमस है कर्नाटका बेंगलुरु राइट तो आप आंसर कीजिए सेवन का आंसर सेवन का आंसर करना है आपको वेरी गुड कुर्ग कुर्ग जितने भी आप आंसर कर रहे हैं कॉफी अनुसंधान संस्थान के लिए तो कुर्ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है अब देखिए बेंगलुरु से एक अगर मैं पूछ लू आपसे तो क्या आंसर कर सकते हैं नेशनल एरोनोटिकल लेबोरेटरी जरूर याद रख लीजिएगा बेंगलुरु से जो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और कोयम बटोर अभी हमने बताया ना गन्ना प्रजनन गन्ना प्रजनन अगर आपसे पूछेगा तो कोयमबटोर जरूर याद रख लीजिएगा ये कई बार आपसे पूछा है तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट एट का आंसर कीजिए भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहां पर स्थापित है क्वेश्चन नंबर एट का आंसर कीजिएगा जरा एट का आंसर क्या हो जाएगा करनाल में है ये आपको याद रखना है करनाल में है तो करनाल आप जितने भी आंसर कर रहे हैं डेरी डेरी जब आपसे तो पूछेगा तो आप करनाल करेंगे गलत आपको नहीं करना है ठीक है करनाल कहाँ हरियाणा हरियाणा आपको ध्यान रखना है अच्छा हरियाणा में एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं अगर हम बात करें जैसे आपके ऑप्शन में दिया हुआ है हिसार हिसार में क्या है मवेशी प्रजनन केंद्र मवेशी प्रजनन केंद्र आपको हिसार से याद रखना है आनंद में आपका कौन सा है यहाँ भी दूध के लिए है गुजरात में है ठीक है चलिए ये दूध के लिए है आनंद आनंद में आपका क्या है ये भी दुग्ध से संबंधित है आनंद गुजरात में तो ये आपको ध्यान रखना है चलिए जयपुर से आप क्या कोरिलेट कर सकते हैं जयपुर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर आंसर कीजिएगा कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान लिए शानदार है राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैदराबाद जितने भी आंसर कर रहे हैं हैदराबाद इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है और हैदराबाद में और आपको क्या ध्यान रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन भी आप यहां से याद रख लीजिएगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है न्यूट्रिशन के लिए हैदराबाद राइट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद आप याद रख लीजिएगा चलिए एक हैदराबाद से मुझे एक और ध्यान आ रहा है. हैदराबाद से आप याद रख सकते हैं सेंटर फॉर आणविक और सेलुलर जीव विज्ञान हैदराबाद ठीक है तो कम से कम ये दो आप हैदराबाद से जरूर याद रख लीजिएगा अगर आप चाहें तो एक और याद रख सकते हैं नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सारे के सारे हैदराबाद में है हिसार में हमने क्या बताया था अभी तुरंत मवेशी प्रजनन अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में क्या क्या बताया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट चेस्ट इंस्टीट्यूट बताया फिर उसके बाद हमने क्या बताया एम्स बताया कृषि बताया रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया फिर मलेरिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया ये सारे के सारे दिल्ली में आप याद रख लीजिएगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज भी आपका कहां पर है तो ये आपका दिल्ली में है इन सारी चीजों को इसी सिक्वेंस में आपको याद रखना है मैं रिवाइज कराते जाऊंगा ताकि लास्ट तक आपकी चीजें याद हो जाए राइट भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है तो आप क्वेश्चन नंबर दस का आंसर कीजिए दस का आंसर हो जाएगा ये झांसी में है तो ऑप्शन नंबर डी और डी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झांसी राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों किस में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, है। तो ये भी देखिए पूछा गया क्वेश्चन है तो आंसर कीजिए सभी कोई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दलहन अनुसंधान संस्थान वेरी गुड इसका आंसर कीजिए ठीक है इसका आंसर हो जाएगा कानपुर कानपुर जितने भी आप आंसर कर रहे हैं कानपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और कानपुर से तुरंत आपके दिमाग में एक चीज और आना चाहिए क्या आना चाहिए नेशनल सुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कानपुर से ध्यान रहना चाहिए राइट और लखनऊ से आपको तो पता ही लग गया एक औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान उन्होंने बताया लखनऊ से एक आपका ड्रग से रिलेटेड होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सारे के सारे लखनऊ से आप याद रख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आपके लिए होगा नंबर बारह बारह ये बताइए कौन सा सुमिलित नहीं है कौन सा युग में सुमिलित नहीं है तो ये आप आराम से आंसर करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर तो देखिये यहाँ पर क्या है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में ये बिल्कुल सही है उसके बाद देखिए केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान ये श्रीनगर में नहीं है। ये कहाँ है आंसर कीजिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है ये बिल्कुल सही है उसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अभी हमने कानपुर में देखा ये भी सही है तो ये लखनऊ में नहीं मतलब ये लखनऊ में ये श्रीनगर में नहीं है तो ऑप्शन नंबर बीस जितने भी आप आंसर कर रहे हैं बीस का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो फिर ये है कहां पर तो ये है लखनऊ में ठीक है ये लखनऊ में है मेरे ख्याल से वैसे एक बार अगर आपको पता है कठोर तो कमेंट सेक्शन में बताइए कम से लग रहा है कि शायद ये लखनऊ में है ठीक है ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपको बताना है यहाँ पर आपको क्या करना है कि सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है और इसका सही आंसर बताना है कि आ, सही आंसर क्या होगा बताइए तो तंबाकू के लिए आप क्या जानते हैं बताइए जरा ये लीजिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी देखिए सबसे पहले आपको जो कंफर्म पता है वो कीजिए सबसे पहले आपके सामने है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान और ये आप जानते हैं कि ये राजमुंदरी में है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर कर दीजिएगा दूसरा आप कन्फर्म जानते हैं आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो ये आप कन्फर्म आंसर कर सकते हैं कि ये शिमला में है ठीक है ये सारे के सारे कन्फर्म है ठीक है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा देखिए नेरी नेरी आप जानते है न, हैं ना कानपुर में है नेरी आपका कानपुर में तो ये कानपुर में हो जाएगा और बच्चा जो ये मैसूर में हो जाएगा ठीक है क्लियर है तो ये आप इजीली आंसर कर सकते हैं इसी तरीके से आपको आंसर करना है ठीक है तो पहला का दूसरा हो गया तो टू कीजिए फिर दूसरा का चौथा हो गया फोर कीजिए फिर तीसरा का तीसरा हो गया तीसरा कीजिए और फिर पहला कीजिए यानी कि चौबीस इकतीस इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जितने भी आप चौबीस इकतीस आंसर करना चाह रहे अगर इसको हम वन टू थ्री फोर मान ले तो ठीक है चलिए तो 24, 31, चौबीस इकतीस ये लीजिए चौबीस इकतीस इसमें आपको दिख रहा है तो आप बी आंसर कर सकते हैं और बीस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्लियर ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बता रहा है कि भारतीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है एट्स अब फुल फॉर्म बताइएगा जरा कितने लोग बता पाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर करते हुए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र तो जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं पुणे महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर है और आपको पता ना कि पुणे में ही आपका क्या है पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तो ये भी आपको ध्यान होगा ये भी आपसे पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा तो ये भी आप याद रख लीजिएगा ये भी पुणे में ही है राइट चलिए आनंद कहां पर है ये आंसर कीजिएगा आनंद जो कि दूध के लिए काफी ज्यादा फेमस रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है ये अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया है आप शायद इसका आंसर इजिली कर पाएंगे बिल्कुल नई दिल्ली में है और नई दिल्ली में क्या क्या बताया है तो एक बार आप चाहे तो रिवाइज कर लीजिए नई दिल्ली वाला एक तो भारतीय पुरातत्व है ठीक है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है फिर चेस्ट इंस्टीट्यूट है फिर आपका कृषि इंस्टीट्यूट है कृषि अनुसंधान संस्थान आप बोल सकते हैं एक सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है सर आपसे निवेदन है कि हम लोग का उत्तर देने दीजिए उसके बाद आप बताएं मैं आप लोगों का उत्तर देख रहा हूं डोंट पति मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम समय से में मैं आपका अधिक रिवीजन हूँ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ राइट भारतीय मौसम क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना होता है ना तो एक्सप्लेन करना मतलब मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि चीजें डिलीवर हो और याद हो क्लास में ठीक है चलिए भारतीय मौसम भारतीय मौसम विज्ञान वैद्यशाला भी आपका कहाँ पर है ये नई दिल्ली में है कृषि तो हमने बता ही दिया और एक मलेरिया भी आपको ध्यान रखना है मलेरिया मलेरिया राइट और एक कम्युनिकेशनल डिजीज कम्युनिकेशनल डिजीज तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण और उसके बाद वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट एम्स है आपका कृषि अनुसंधान संस्थान है सेंट्रल रोड इंस्टीट्यूट है उसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान वैद्यशाला है और मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेंगलुरु से नेशनल एरोनोटिकल लेबोरेटरी आप याद रख सकते हैं बेंगलुरु से कम से कम इतना याद रखिए ओके ओके आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ तो इसका आंसर था नई दिल्ली केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है चलिए अब मैं वेट कर रहा रू ताकि आप इसका आंसर कीजिए लोग बोल रहे हैं कि आप आंसर देने नहीं देते हैं चलिए आप इसका आंसर दीजिए तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है इसका आंसर कीजिएगा पुणे में हमने क्या बताया तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये आपको जरूर याद रखना है यार वायरोलॉजी बेंगलुरु से अभी हमने क्या बताया है? बेंगलुरु से नेशनल एरोनोटिकल लेबोरेटरी चलिए राजमुंद्री वेरी गुड सभी को आंसर कर रहे हैं और सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आ रहा है और वेरी इजी भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है कई बार आपसे पूछ लिया है एग्जाम में और इसका भी आंसर कीजिएगा भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है कि सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए तो सेवनटीन का चेन्नई प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो चेन्नई इज करेक्ट वन चलिए दिल्ली का कोई भी चार रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर यहाँ पर कौन कौन सा संस्थान है ये तो आप कमेंट सेक्शन में सिक्वेंस वाइज कमेंट कीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है यह आपको बताना है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है क्वेश्चन नंबर का आंसर कीजिए का आंसर हो जाएगा बताइए आप आंसर कीजिए उसके बाद मैं आंसर कर रहा हूं बताइए आंसर चलिए अगर दो तीन मैं मुंबई से पूछ लू कम से कम दो पूछ लू तो आप क्या आंसर करेंगे मुंबई से एक भारतीय कैंसर भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर है ये मुंबई में है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई में है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी आपका कहां पर है तो ये मुंबई में है जो आपको ध्यान रखना है राइट आपसे पूछा है डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये करनाल हरियाणा हो जाएगा हरियाणा और बिल्कुल सही आंसर तो है जितने भी आप ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं और हरियाणा से एक चीज और हमने क्या बताया जो हिसार में है बताइए हिसार में आपका मवेशी प्रजनन केंद्र है मवेशी प्रजनन केंद्र भी आपका हरियाणा में है ये आपको ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आंसर कीजिए कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान आप बता सकते हैं वेरी इजी ये हमने आपको बता दिया देहरादून में है और अभी तुरंत हमने देखा था देहरादून तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है देहरादून और देहरादून से एक और याद रख लीजिएगा भारतीय पेट्रोलियम भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी आपका देहरादून में है तो इसको भी याद रख लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आंसर कीजिएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो यह कटक उड़ीसा में है सभी को पता है ये कटक में है राइट तो ये सभी को पता है क्लियर है चलिए नागपुर से अगर एक चीज मैं पूछ लू तो नागपुर से आप क्या आंसर करेंगे नेरी नेरी बोले तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर महाराष्ट्र में तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा और दिल्ली से तो हमने आपको बता ही दिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है और खनन के बाद एक ईंधन अनुसंधान संस्थान भी याद रख लीजिएगा ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो ये दोनों ही धनबाद में है धनबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसकी स्थापना आपको पता है ना इसकी स्थापना कब भी थी Uh, 1947 में ठीक है नहीं 1948 1948 में, इसको 1948 कर लीजिए और ईंधन वाला 1947 1947 है, है? ठीक है? 1947 आपका ईंधन वाला है और ये कहां पर है जलगोड़ा में जलगोड़ा धनबाद तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा आंसर क्या होगा इसका आंसर जितने भी कर रहे हैं आप ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में हमने क्या बताया कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन केंद्र ठीक है गन्ना प्रजनन केंद्र ये आपका कोयम्बटूर में है ठीक है ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आंसर कीजिएगा कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है इसका आंसर कीजिएगा और सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए ट्वेंटी आंसर कीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको करना है 22 का आंसर 22 का आंसर करना है कटक को तो हो गया था आप 22 का आंसर कीजिएगा 20 22 का आंसर कीजिए ठीक है तो 22 का जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मैसूर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जितने भी आप मैसूर आंसर कर रहे हैं राइट तो मैसूर इस आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कानपुर आपको पता लग गया कि कानपुर में क्या है तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमने बता दिया और कोयम्बटूर तो कई बार हमने बता दिया ठीक है ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है होगा कि भारतीय भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है हीरा अगर आपको हीरा मिल जाए तो क्या करेंगे चलिए ट्वेंटी थ्री का आंसर कीजिए ट्वेंटी थ्री का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही पहले तो आप आंसर कीजिए सभी की तरफ से आंसर रहना चाहिए और आंसर करने की कोशिश करें सभी कोई जितने भी लोग हैं डी आंसर कर रहे सूरत और सूरत जितने भी आंसर कर रहे हैं सूरत इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूरत और सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है किस राज्य में मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में कर्नाटक में या फिर मुंबई चलिए तो महाराष्ट्र ही हो गया एक ऑप्शन मैं दे देता हूँ कौन सा गुजरात में या फिर दीज चलिए आंसर कीजिएगा जरा सभी कोई अगले क्वेश्चन को उत्तर कीजिए करते हुए अगला क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है तो मौसम वाला हमने बता दिया है अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट से बताइए और इसका आंसर कीजिए दिल्ली बिल्कुल हो जाएगा आंसर जितने भी आप दिल्ली आंसर कर रहे हैं हीरा के लिए अभी आप देख ही लिए हैं कि हीरा के लिए क्या है आपका सूरत है और नई दिल्ली में क्या क्या बताया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एम्स है रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारतीय मौसम विज्ञान वैद्यशाला है कृषि अनुसंधान संस्थान है मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज है ये सारे के सारे नई दिल्ली में हमने बता दिया था तो ऑप्शन नंबर जितने भी आप भी आंसर कर रहे हैं बीस का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है राइट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान अवस्थित है और इसका देखिए पीडीएफ मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया है तो इस पीडीएफ में मैंने आपको आंसर भी दे दिया है इसी फॉर्म में जो मैं दिखाता हूँ आपको आपको देखिए ये है ना ये आपका सारा का सारा एक्सप्लेशन के साथ में एस्टेब्लिशमेंट ईयर के साथ में आपको मैंने एक साथ दे दिया है ताकि आप जो है ना इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है बहुत अच्छे से सारी चीजों को मैंने दे दिया है तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इसको एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाइएगा और यहाँ पर एक्सपेक्टेड मैंने पचास क्वेश्चन दे दिया है तो एक्सपेक्टेड यहाँ पर मैंने पचास एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया है जहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखिए यहाँ पर मैंने हेडक्वाटर और उसका स्थापना सारा का सारा मैंने एक साथ लगभग ऐसा ऐसा पचास हमने यहाँ पर बनाया हुआ है जो कि आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम में तो टेलीग्राम फटाफट से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ईयर के साथ में सारा कुछ दे दिया है तो ये आप वहां से देख लीजिएगा जरूर ठीक है ये पचास क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए बनाया हुआ है जो तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं लेकिन पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहां से एक बार जरूर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की तरफ हम लोग थे हाँ ट्वेंटी फाइव थे आंसर कीजिएगा कि किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्था एक मिनट हाँ तो किस जिले में किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान अवस्थित है आपसे जिला पूछ लिया है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का आंसर कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर बीकानेर कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं डी इसका आंसर नहीं है जितने भी आप बीकानेर आंसर कर रहे हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा तो बीकानेर जितने भी आंसर कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहां पर अवस्थित है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का आंसर कीजिए कंप्यूटर का पीडीएफ डाल दीजिएगा ओके ओके डाल दूंगा इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का ट्वेंटी सिक्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देहरादून और देहरादून जितने भी आंसर कर रहे हैं देहरादून इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट चलिए गुजरात से अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है गुजरात में कौन कौन सा है एक बार ये आप देखिए अहमदाबाद की बात आई है तो गुजरात एक बार देख लीजिए कि गुजरात से आपको क्या क्या याद रखना है गुजरात से नोट करिए जरा सबसे पहले आप याद रख लीजिएगा कि भावनगर में एक आपका क्या है भावनगर में गुजरात से याद रखना है आपको आ, सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान आपको गुजरात में कम से कम ध्यान से सुन लीजिएगा जरा मैंने क्या बताया सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान गुजरात में है वस्त्र वस्त्र अनुसंधान संस्थान भी आपका गुजरात में है इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अहमदाबाद में है स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा अहमदाबाद से और और गुजरात से कुछ याद रखा जा सकता है कम से कम इतना तो जरूर याद रख लीजिएगा और कानपुर से हमने बता ही दिया क्या बताया नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट और देहरादून से हमने क्या बताया देहरादून से कम से कम दो याद रख लीजिएगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ठीक है तो ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जम्मू कश्मीर से एक से याद हैं जम्मू कश्मीर से क्या याद रखना है गुलमर्ग में है ये उच्च उच्चाई अनुसंधान प्रयोगशाला ठीक ये आपका जम्मू कश्मीर में है ठीक है ट्वेंटी सेवन का आंसर कीजिएगा कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस संस्थान कहां पर है ये आपको बताना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का आंसर आंसर कीजिए सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड कहां पर स्थित है ट्वेंटी सेवन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जितने भी आप हैदराबाद आंसर कर रहे हैं हैदराबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और हैदराबाद से अभी कुछ देर पहले हमने एक चीज और बताया था सेंटर फॉर आर्मिक और सेलुलर जीव विज्ञान हैदराबाद से ये भी आपको ध्यान रखना है और हैदराबाद से एक और मैंने क्या बताया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये भी हमने हैदराबाद से आपको बताया है। तो हैदराबाद हैद्रा, हैदराबाद से इतना याद रख लीजिएगा अहमदाबाद से अभी हमने क्या बताया राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में लिख देता हूँ ये इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान तो ये यहां से आप जरूर याद रख लीजिएगा ठीक है चलिए अब तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा ट्वेंटी एट नंबर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान आप बताइए ट्वेंटी एट का आंसर और इसका आंसर आपको बताना है मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहां पर है गुज, आ, सूरत वाला आपको याद हो गया होगा हीरा रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका सूरत में है मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो ये आपका है गुड़गांव में तो जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बीस का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीस का सही आंसर है ठीक है और बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अभी तुरंत मिल जाएगा आंसर के साथ में या फिर यहाँ पर मैंने देखे इस तरीके से सारी चीजें बता दी हैं तो ये आप देख लीजिए जैसे सड़क अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में है वानी की देहरादून में है और इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है एस्टेब्लिशमेंट ईयर है और ये सारा कुछ आपको यहाँ पर दे दिया गया है ठीक है देखिए एक्सप्लेनेशन भी है कि जैसे मैंने आ, का answer, तो यहाँ पर गलत बताना था तो ये लखनऊ था तो हाँ क्या कर दिया है पचास एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे दिया ट्वेंटी एट तो जो अभी हमने आपको बताया है इसका ये एक्सप्लेनेशन है और देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो था वो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तुकड़गा और उन्नीस सौ निन्यानवे में इसकी स्थापना हुई थी स्थापना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है जो इंपॉर्टेंट वाला होगा एटलीस्ट वो आप रीड कर लीजिएगा और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डायरेक्ट कुछ कुछ दे दिया गया है इसका हेडक्वार्टर और यहाँ पर क्या इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जैसे मृता लवंता अनुसंतान संस्थान जो है यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो कवर नहीं हो पाई हैं वो सारे के सारी चीजें यहाँ पर मैंने दे दिया है यहाँ पर गन्ना प्रजनन केंद्र होना चाहिए गन्ना प्रजनन कर लीजिएगा तो ये कोयम्बटूर में हो जाएगा तो ये येब्लिशमेंट ये इस तरीके से दिया हुआ है तो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला 1949 बागवानी बेंगलुरु रेशम के लिए आपका बेंगलुरु तंबाकू राजमुंद उन्नीस सौ रेट गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ राइट नाइनटीन तो ये सारा कुछ दिया हुआ वानी की देहरादून नाइनटीन सिक्स भवन अनुसंधान संस्थान रूप की औषधि के लिए लखनऊ खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान 1950 सौ पचास खनन धनबाद सड़क नई दिल्ली चारागाहसी भूमि हैदराबाद डेयरी करनाल हीरा सूरत मौसम नई दिल्ली चावल कटक दाल कानपुर खनन धनबाद पशु चिकित्सा बरेली एड्स पुणे तो ये सारा कुछ आपको दे दिया गया है तो ये आप एक बार जाके देख लीजिएगा टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा ये ठीक है और एकाध कहीं कहीं त्रुटि मिलता है तो मैं बाद में वहाँ पर आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए क्योंकि गलतियां हो सकती हैं टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है भारतीय कॉपी के लिए उर्ग तो ये सारे के सारे आपको दिया गया है टोटल हमने यहाँ पर क्वेश्चन कितना बनाया था पचास पचास क्वेश्चन है तो ये पचास आप जाके एक बार रीड भी कर लीजिएगा एटलीस्ट ये टेलीग्राम में मिल जाएगा तो वहाँ से आप एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा ठीक है और सभी को इसका आंसर कर सकते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है मेरे देखिए क्वेश्चन ईयर का और ईयर का ये शानदार कलेक्शन है तो फटाफट से जितने भी लोग हैं सभी को इसका आंसर कीजिए सही आंसर क्या होगा फटाफट से सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए आंसर करने की कोशिश कीजिए वेरी गुड सभी को आंसर कर रहे हैं चलिए ठीक है नमस्कार जो हर गुड मॉर्निंग अब आंसर कीजिए सभी कोई जितने लोग भी हैं ठीक है तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या बी लखीमपुर पीलीभीत अलग अलग आंसर आ रहा है सभी का बताइए तो आपको याद रखना है लखीमपुर खीरी ऑप्शन नंबर बीस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनपद आपसे पूछा हुआ कि किस जनपद में है तो इसका आंसर आप क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बीस का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि भी तो उत्तर प्रदेश में ही है अच्छा उत्तर प्रदेश से एक चीज और आपको याद रखना है चंद्र प्रभा अगर आपसे पूछे कि चंद्र प्रभा चंद्र प्रभा अभ्यारण कहाँ पर है तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ये यूपी में चंद्र प्रभा तो बहुत सारे अभ्यारण को हम यहाँ पर देख रहे होंगे तो एक, -एक शेयर कर दीजिए सबसे पहले तो है ना सबके तरफ से एक एक शेयर ईमानदारी के साथ आ जाना चाहिए चलिए एक एक करके और भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे गाइस फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ उससे पहले कुछ छोटा छोटा पॉइंट अगर आप स्टैटिक के तौर पर जानना चाहें तो जान लीजिएगा कि जिम कार्बेट जो है ना जिम कार्बेट जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और स्थापित हुआ था ये उत्तराखंड में कब हुआ था तो आपको ये पता है कि नाइनटीन में ये स्थापित हुआ था और इसका नाम अब जो है ना वो क्या था हेली नेशनल पार्क पहले था और अब क्या है अब इसका नाम है जिम कार्बेट ये उत्तराखंड का है इसको आप जानते हैं बहुत पहले से जानते हैं अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है और ये आपका लद्दाख में कहां पर है लद्दाख में है ठीक है अच्छा पंजाब एक ऐसा जगह है जहाँ एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा राइट अच्छा जो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए फेमस है तो ये तेंदुआ के लिए फेमस है ये भी क्वेश्चन आ चुका है ये तेंदुआ के लिए फेमस है अगला पॉइंट याद रखना है कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछेगा तो आंध्र प्रदेश मतलब श्री सैलम है नागार्जुन श्री सैलम जो है ना सबसे छोटा सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में ये याद रख लीजिएगा सबसे छोटा अगर पूछेगा इसको नोट कर लीजिए अच्छे से अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है तब आपको आंसर करना है बोर टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व ये सबसे छोटा है टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं राइट और ये महाराष्ट्र में है ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा ठीक है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा बाघ आरक्ष पूछेगा बाघ आरक्ष सबसे बड़ा तो आपको नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व याद रखना जो कि आंध्र प्रदेश का है और भी हम लोग बात करेंगे जैसे सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछेगा नेशनल पार्क पूछे पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान तब आपको आंसर करना है साउथ साउथ बटन साथ बटन जो कि आपका अंडमान निकोबार में है अंडमान निकोबार में है साउथ बटन तो इन सारी चीजों को आप इसी सिक्वेंस में याद रखिएगा वैसे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी और बी जितने भी, भी चूज कर रहे हैं सही है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बताना आपको कि कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है जिम कार्बेट की बात कर रहा है एक्चुअली आप आंसर कर सकते हैं फटाफट से आंसर कीजिए और अभी हमने बताया कि जिम जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो जिम कार्बेट है ये आपको पता होना चाहिए और जिम कार्बेट को पहले किस नाम से जाना जाता था तो हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था तो इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा चलिए राजस्थान से आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए राजस्थान से अगर हम कुछ बात कर ले तो राजस्थान से एक आप घान पक्ष विहार याद रख सकते हैं है। ठीक है और अगर मध्य प्रदेश से पूछा जाए तो कान्हा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है माधव है माधवगढ़ है राइट फौसिल राष्ट्रीय उद्यान है पेंच टाइगर रिजर्व है पन्ना है सतपुड़ा है ठीक है ओंकारेश्वर है इस सारे के सारे मध्य प्रदेश में है और उत्तराखंड जितने भी आप आंसर कर रहे हैं उत्तराखंड इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से अगर कुछ याद रखना चाहे तो एक जलदा पारा आप याद रख सकते हैं जलदा पारा ठीक है जलदा पारा एक सिंगा सिंगा लीला याद रख सकते हैं सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान रख सकते हैं याद उसके बाद एक आप गोरुमारा याद रख सकते हैं गोरुमारा गोरूमारा भी आप ध्यान रख सकते हैं ये पश्चिम बंगाल का है पश्चिम बंगाल से आप याद रख सकते हैं बक्सा राष्ट्रीय उद्यान बक्सा राइट बक्सा राष्ट्रीय उद्यान याद रख सकते हैं और एक सुंदरवन तो आपको ध्यान ही होगा तो सारे के सारे आप पश्चिम बंगाल से याद रख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा ठीक है ओके तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जलदापारा सिंगा लीला गोरा मारू बक्सा और सुंदरबन ये सारे के सारे पश्चिम बंगाल में है तो ये आप जरूर याद रख लीजिएगा मैं भी आपसे पूछा जाए ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर थ्री भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है वेरी इजी भीतरकनिका आंसर कीजिए तो देखिए भितरकनिका भितरकनिका की बात कर ले या फिर आप सिमलीपाल बात कर ले सिमलीपाल ये कहाँ पर है उड़ीसा में तो जितने भी आप उड़ीसा आंसर कर रहे हैं उड़ीसा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी की तरफ से उड़ीसा 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 और उड़ीसा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं उड़ीसा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल से अगर आपको ध्यान रखना हो तो एक पेरियार याद रख लीजिएगा पेरियार और एक और आप यहाँ से याद रख सकते हैं पराम्बिकुल्लम पराम्बी भी कुल्लम भी आप ध्यान रख सकते हैं जो कि केरल में है चलिए गोवा से आपको क्या क्या याद आता है गोवा से फटाफट से कमेंट कीजिएगा जरा गोवा से क्या क्या याद रख सकते हैं ये आपको आंसर करना है फटाफट से साथ ही साथ अगर आपसे तमिलनाडु पूछ ले तो तमिलनाडु से बहुत कुछ याद रख सकते हैं जैसे आप मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में है एक आप यहां से जरूर याद रख लीजिएगा मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान ये आपसे तो पूछा जा सकता है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में है इसके अलावा मुद्दू मलाई तो है ही ये सभी को याद होगा मुद्दू मलाई एक गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान याद रख लीजिएगा गुइंडी गुंडी राष्ट्रीय उद्यान पे आपका कहाँ पर है ये तमिलनाडु में है ठीक है तो इन सारी चीजों को आप याद रख सकते हैं वेरी गुड सभी की तरफ से आंसर आ रहा है लेकिन अभी तक आंसर गोवा का नहीं आया है गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भगवान महावीर याद रख लीजिएगा गोवा में भगवान महावीर भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये आप ध्यान रखते थे चलिए ठीक है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हमने क्या बताया था सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछेगा तो साउथ बटन ध्यान रखना है साउथ बटन सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान निकोबार में है अंडमान निकोबार में ठीक है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो ये हेमिस नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा पूछेगा तो हेमिस जो कि लद्दाख में है और सबसे छोटा साउथ बटन अंडपान निकोबार में है क्लियर ओके okay. आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री पुथुर, हाथी अभ्यारण्य स्थित है तो देखिए नाम से आपको क्या अंदाजा लग रहा है आप इजीली आंसर कर सकते हैं फटाफट फड़ से क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर कीजिए साउथ बटन एग्जैक्टली साउथ बटन सबसे छोटा है और सभी को आंसर कर भी रहे हैं। क्या बात है सी आंसर कर रहे हैं ज्यादातर तमिलनाडु तमिलनाडु मैक्सिमम लोगों की तरफ से तमिलनाडु आंसर आ रहा है राइट तो, तो जितने भी आप तमिलनाडु आंसर कर रहे हैं तमिलनाडु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और तमिलनाडु से रिलेटेड अभी हमने बताया था ना क्या क्या बताया बताइए कर्नाटक का इस बार हम लोग देख लेते हैं फटाफट से कर्नाटक से एक बनेर घट्टा याद रखना है आपको बनेर घट्टा ठीक है और क्या याद रख सकते हैं कर्नाटक से एक कर्नाटक से केंद्र मुख याद रख सकते हैं कुंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आप कर्नाटक से याद रख सकते हैं नागरहोल आपको पता ही होगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक से आप ध्यान रख सकते हैं राइट एक बांदीपुर भी आपको पता ही होगा बांदीपुर तो ये सारे आपको याद रखने हैं ठीक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और और तमिलनाडु से अभी हमने क्या क्या बताया था एक बार ध्यान से सुन लीजिए एटलीस्ट मुद्दु मन्नार की खड़ी राष्ट्रीय उद्यान मुकुर्ति राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी जिसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं तमिलनाडु में है गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है तो ये सारे के सारे तमिलनाडु में है जो आपको याद रखना है ठीक है चलिए आंध्र प्रदेश से आपको क्या क्या याद आता है आंध्र प्रदेश से क्या क्या आंसर करेंगे आंसर कीजिएगा जरा सभी को आंसर कीजिएगा कि आंध्र प्रदेश से आपको क्या क्या याद आ रहा है जितने भी लोग हैं सभी को आंसर करने की कोशिश कीजिए इतना कम क्यों आंसर आ रहा है सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए आंध्र प्रदेश से एक आप चाहे तो कम से कम दो याद रख लीजिएगा आंध्र प्रदेश से कौन कौन सा एक आपको पाखल पाखल वन्यजीव अभ्यारण याद रखना है और एक कावला वन्य जीव याद रखना है कावला वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है कावला और पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में ठीक है तो इन सारी चीजों को आप इसी सीक्वेंस में जरूर याद रखिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन होगा कि काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है आपसे पूछा है काली टाइगर रिजर्व तो क्वेश्चन नंबर का आंसर कीजिए और सबकी तरफ से फाइव का भी आंसर आना चाहिए तो बी जितने भी आंसर कर रहे हैं कर्नाटक और कर्नाटक अभी हमने आपको बताया ना कर्नाटक से दो तीन तो आपको याद रखना है बांदीपुर याद रखना है एक भद्रा आप चाहे तो याद रख सकते हैं कर्नाटक से भद्रा भद्रा अभ्यारण आप याद रख सकते हैं एक तुंग भद्रा भी है भद्रा भी है और एक तुंग भद्रा भी है दोनों आप कर्नाटक से याद रखेंगे एक सोमेश्वर भी है सोमेश्वर अभ्यारण, सोमेश्वर अभ्यारण भी कहां पर है ये कर्नाटक में है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है और हमने क्या बताया कर्नाटक से बन्नेर राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है नागर होल है जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है एक अंसी राष्ट्रीय उद्यान आप याद रख सकते हैं अंसी अंसी राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है जो कि कर्नाटका में है ठीक तो इतने सारे हैं जो आपको याद रखना एक्चुअली एक असम नया स्टेट आपके सामने आ गया कांजीरंगा है मानस है उरांग है डिब्रू चाहे है नामेरी रायमोना देही पटकई Osionfish. तो ये सारे के सारे आप याद रख सकते हैं असम है। से इसी सीक्वेंस में याद रखिए आप भी मैं रिपीट कर रहा हूँ हमारे साथ में रिपीट कर सकते हैं सबसे पहले हमने क्या बताया मानस टाइगर रिजर्व कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ठीक है उसके बाद आप ध्यान रख सकते हैं डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान नामेरी राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान दहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान ये सारे के सारे कहाँ पर है असम में है वैसे इस प्रश्न का उत्तर कर्नाटका है जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं बी प्रश्न का सही उत्तर है चलिए अगर अरुणाचल प्रदेश से हम लोग कुछ बात कर ले तो अरुणाचल प्रदेश से आपको क्या क्या ध्यान आता है यह फटाफट से आंसर कीजिएगा देखिए अरुणाचल प्रदेश से तो एक नाम दफा आप याद रख लीजिएगा नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान और एक आप ध्यान रख सकते हैं क्या मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान मौलिंग नाम दफा और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों आपको से याद रखना है ये आपको अरुणाचल प्रदेश से याद रखना है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ठीक है इतना कम से कम आप अरुणाचल प्रदेश से जरूर ध्यान रखिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अच्छा तेलंगाना भी है ना ऑप्शन में तेलंगाना भी हम थोड़ा डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं तेलंगाना में एक दो एटलीस्ट आप तो याद रख ही सकते हैं तेलंगाना से एक याद रख लीजिएगा महावीर हरिना उपनस्थली राष्ट्रीय उद्यान मृगवाणी तो आपको याद रखना ही है मृगवाणी मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान एटलीस्ट जरूर याद रख लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बाघमारा पिक्चर प्लांट अपेयर निम्नलिखित तो राज्यों में से किस राज्य में स्थित है क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर कीजिएगा और सिक्स का भी आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए और यहाँ पर गोवा के बारे में हमने क्या बताया था बताइए गोवा भगवान महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान ये आपको याद रखना है गोवा से चलिए मेघालय से कौन कौन आंसर करेंगे कि मेघालय से आपको क्या क्या याद है फटाफट से सभी को आंसर कीजिएगा कि मेघालय से आपको क्या क्या याद है आंसर कीजिए सभी कोई ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए मेघालय मेघालय इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर लगभग सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आ रहा है जितने भी आप मेघालय आंसर कर रहे हैं सही है ठीक है चलिए मेघालय से और आपको क्या-क्या याद आता है यह फटाफट से आंसर कीजिएगा मेघालय से ओके okay. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर कीजिए कि निम्नलिखित से कौन भारत और विश्व का एकमात्र उद्यान है नागर होल कहां पर है ये बताइए जरा और बाल पकरम कहां पर है ये भी आंसर कीजिए बाल पक्रम कहां पर है ये सारे के सारे जो है ना फटाफट से आपको आंसर करना है सभी को आंसर कीजिए सेवन का आंसर है बिल्कुल केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं और नागर होल अभी तुरंत हमने बताया था जिसका नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पर है ये आपका कर्नाटक में है बाल पकरम कहाँ पर है बाल पकरम बाल पकरम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका याद रखना है मेघालय में है कहा पर है बाल पकरम आपका मेघालय में है ठीक है मेघालय में आपका क्या है बालपकरम है और मेघालय से आप एक और याद रख सकते हैं क्या नोकरेक मेघालय से आप याद रखिएगा नोकरेक भी कहां पर है तो ये मेघालय में है तो बालपकरम और नोकरेख दोनों ही मेघालय में है ठीक ऑप्शन तो नंबर सी जितने भी कर रहे हैं सही है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेवन ओडिशा में कौन सा नहीं है ये बताइएगा जरा क्वेश्चन नंबर एट का आंसर और एट का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए आंसर करने की कोशिश करिए सभी कोई और सभी की तरफ से इसका भी आंसर आना चाहिए आंसर कीजिए ठीक है तो एट का आंसर आना शुरू हो गया जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है देखिए महानदी हाथी रिजर्व है संबलपुर हाथी रिजर्व है और मयूरभंज हाथी रिजर्व है लेकिन जो सोनीतपुर हाथी रिजर्व है ये नहीं है तो जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है सी सी जितने भी आंसर आंसर कर रहे हैं इसका हो जाएगा सोनीतपुर 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 ठीक है तो जितने भी आप आंसर कर रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए सोनीतपुर कहाँ पर है कितने लोग बताएंगे चलिए फटाफट से एक बार कमेंट कीजिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर एट बताइएगा कि पेपारा राष्ट्रीय उद्यान या पेपारा वन्य जीव पूछा है एक्चुअली निम्नलिखित में से किस राज्य में है ये आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर और नाइन का भी आंसर सभी चाहिए देखिए अगर हम कुछ टाइगर रिजर्व की बात कर ले पहले तो इसका आंसर कीजिए आप लोग आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर नाइन का आंसर हो जाएगा डी जितने भी ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं केरल केरल इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और लगभग सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आ रहा है केरल 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 तो केरल आप जितने भी आंसर कर रहे हैं केरल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चलिए केरल से और आपको क्या क्या याद रखना है एक तो पेरियार याद रखेंगे पेरियार अभ्यारण्य पराम्बिकुलम याद रखिएगा कई बार आपसे पूछता है ठीक है तो ये दो आपसे पूछता ही है पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा और मेघालय से दो चीज आपको कम से कम ध्यान रखना है कौन कौन सा एक आप याद रखेंगे क्या बाल पकरम कहां पर है अभी कुछ देर पहले हमने होता है रखना है उसके बाद नोकरेक याद रखना है ये सारे के सारे मेघालय में और तमिलनाडु तो हमने बताया ही है क्या मधुमलाई मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान राइट फिर गुंदी राष्ट्रीय उद्यान बताया तमिलनाडु से तो ये सारे के सारे आप याद रख सकते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बताने कि बुक्सा टाइगर रिजर्व बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है ये आप आंसर कीजिए पश्चिम बंगाल में है बिल्कुल पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल जितने भी आंसर के बारे में सोच रहे हैं बिल्कुल सही है आपका यहाँ तो बुक्सा है ही सुंदरवन तो है ही सुंदरवन भी आपको ध्यान होगा इसके अलावा जलदापारा भी आपको ध्यान होगा जलदापारा जलदापारा एक सिंगा लीला जरूर याद रख लीजिएगा सिंगा लीला सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में है एक आप याद रख सकते हैं नाओरा वैली नरोरा नहीं है नाओरा है याद रख लीजिएगा नरोरा पूछेगा तो असम में हो जाएगा लेकिन अगर नौरा वैली पूछेगा नौरा वैली तब यह पश्चिम बंगाल में होगा ये डिफरेंस आप जरूर याद रख लीजिएगा कंफ्यूज नहीं होना है आपको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभ्यारण है जिसे गहीर माता समुद्री अभ्यारण के नाम से जाना जाता है तो आप ग्यारह का आंसर कीजिए ग्यारह का करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए उड़ीसा से हमने क्या क्या बताया था बताइए एक तो भीतर का निका है सिमलीपाल है राइट और गहिर माता है तो ओडिशा आप आंसर कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जितने भी आंसर कर रहे हैं और गोवा से हमने क्या बताया बताइए गोवा से भगवान महावीर बोलेम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है तो ये गोवा में है ये आपको ध, जरूर ध्यान रखना है अच्छा गोवा से अगर आप चाहें तो एक चीज और याद रख सकते हैं क्या क्या याद रख सकते हैं एक रामसर साइट आप गोवा से ध्यान रख सकते हैं नंदा लेक नंदा लेक जो है ना नंदा लेक रामसर साइट है ये भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे धीरे धीरे तो ये आपका गोवा में है तो गोवा से एटलीस्ट आप ये याद रख लीजिएगा चलिए और जो भी अपडेट से रिलेटेड बातें हैं वो किसी सेपरेट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे अभी फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं भारत का औशनिक नेशनल पार्क स्थित है क्वेश्चन नंबर बारह का आंसर कीजिए बस मैं एक लाइन में इतना कहूंगा कि जो तैयारी कर रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेन आप तैयारी करते रहिए इसी जोश जुनून के साथ में आप अच्छे पद पर अग्रसर है। बस इतना ही हिंट दे रहा बाकी एग्जाम हो जाना है राइट और इससे रिलेटेड एग्जैक्ट अपडेट का एक अलग वीडियो मैं स्पेशल लाऊंगा तो उसमें आपको पूछना है उसमें मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा राइट चलिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिए बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो कक्ष आंसर जितने भी कर रहे हैं कक्ष कक्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और कक्ष है कहां पर ये भी आंसर कीजिएगा तो आप आंसर कर रहे हैं गुजरात 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 तो चलिए गुजरात से रिलेटेड कुछ कुछ जो है वो आप देख लीजिएगा जरा गुजरात गुजरात से आपको क्या क्या ध्यान रखना है तो गुजरात सब -सब से सबसे पहले आपको वसंधा याद रख लीजिएगा ठीक है गुजरात से एक वसंधा आपको ध्यान रखना है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जरूर याद रख लीजिएगा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एक आपको याद रखना है गिर तो आपको ध्यान होगा ही गिर एक ब्लैक बक जरूर याद रख लीजिएगा ब्लैक बक ब्लैक बक भी आपका कहां पर है ये आपका गुजरात में है जो आपको ध्यान रखना है हमेशा और हमेशा ठीक है ओके आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इस प्रश्न का उत्तर है जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का ओडिशा सुंदरवन पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार में आपका क्या याद रखना है साउथ बटन साउथ बटन जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा कौन सा है हेमिस है ये हम शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं जो कि लद्दाख में है तो ये सारा कुछ हमने शुरुआत में डिस्कस कर लिया था आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्य जीव मिलेगा बताइए बोरेल वन्य जीव भारत के किस राज्य में आपको मिलेगा इस प्रश्न का उत्तर करना है आपको और आंसर कीजिएगा सभी की तरफ से इसका भी आंसर आना चाहिए आंसर करने की कोशिश कीजिए सभी को देखिए असम से आपको क्या क्या ध्यान रखना है असम से हमने क्या क्या बताया है बताइए असम से क्या क्या बताया एक तो आप याद रखेंगे क्या कांजीरंगा सभी को याद होगा मानस सभी को याद होगा औरंगा डिब्रू चौखेवा नामिरी रायमोना राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान और एक बोरल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा आपको तो आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी और थर्टीन का जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं असम असम इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और पश्चिम बंगाल से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सिंगा लीला जरूर लीजिएगा सिंगा लीला कम से कम एक नया तो आपके जेहन में आए हमेशा एक चीज नया आना चाहिए सिंगा लीला और एक गोरुमारा भी ध्यान रख लीजिएगा गोरुमारा पश्चिम बंगाल से एक गोरुमारा भी ध्यान रख लीजिएगा गोरुमारा है ना तो जो नए नए वाले हैं उसका हम रिपीटेशन इतना बार करेंगे कि चीजें आपको याद हो जाएंगी राइट ओके अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्य जीव अभ्यारण है रोवा वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पर अवस्थित है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर कीजिए और फोर्टीन का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए कोशिश करिए सही आंसर करने का बाकी चलिए आंसर कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा त्रिपुरा वेरी गुड तो त्रिपुरा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं त्रिपुरा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो नंबर ए जितने भी आप त्रिपुरा आंसर कर रहे हैं ना त्रिपुरा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग सभी की तरफ से त्रिपुरा आंसर आ रहा है राइट त्रिपुरा आप जरूर याद रख लीजिएगा चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आंसर कीजिए जरा सभी कोई राष्ट्रीय उद्यान कौन सा लद्दाख में है लद्दाख में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस तो ये हमने आपको बता दिया गिर कहां पर है गुजरात में है गुजरात में है नाम दफा अभी तुरंत हमने बताया कमेंट कीजिए जरा और ये असम में है ऑप्शन दे दो क्या आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश मुंबई पश्चिम बंगाल बिहार ये मैंने ऑप्शन दे दिया है नाम दफा के लिए अब दफा मत हो जाइएगा इसका आंसर जरूर कीजिएगा कि नाम दफा कहाँ पर है नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान आंसर कीजिए अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा है राइट ये अरुणाचल प्रदेश में है अरुणाचल प्रदेश में ही एक और है आपका मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान तो ये भी आपको याद रखना है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नाम दफा दोनों ही आपका कहा है अरुणाचल प्रदेश में है ये आपको ध्यान रखना है वेरी गुड अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अगला बताना है आपको कि मिजोरम में स्थित फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है देख रहे ना मतलब कुछ ऐसे नाम भी आपको एग्जाम में और देखिए एग्जाम में पूछा गया है मैंने आपसे ये प्रेम नहीं किया है सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा फटाफट से आंसर कीजिए इसका और करेक्ट आंसर सभी को करने की कोशिश करिए इसका सही आंसर क्या होगा चलिए आंसर कीजिएगा जरा आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आपको आंसर करना है मिजोरम वेरी गुड तो इसका आंसर आना शुरू हो गया है जितने भी सिक्सटीन का भी आंसर कर, तो कर रहे हैं नीला पर्वत नीला पर्वत उद्यान नीला पर्वत उद्यान इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है तो जितने भी आप आंसर कर रहे हैं नीला पर्वत ये बिल्कुल सही है चलिए अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिजोरम तो मिजोरम से आपको और क्या क्या ध्यान आता है ये आप आंसर कीजिएगा जरा मिजोरम से कम से कम एक और बताइए जो आपको ध्यान रखना है और फटाफट फड़ से सभी को बताइएगा कि मिजोरम से आपको और क्या याद आता है चलिए मैं बताता हूँ मिजोरम से एक आप जरूर याद रख लीजिएगा क्या मुरलेन मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपको जरूर याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मिजोरम से एटलीस्ट ये वाला नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा मुरलेन ओके okay. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्ष कर्नाटका में नहीं है कौन सा कर्नाटका में नहीं है ये आप आंसर कीजिएगा और सारे के सारे मुझे लगता है कि मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है आप आंसर कर सकते हैं और फटाफट से आंसर कर दीजिए और ये काफी ईजी है पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है पेंच पेंच जो है ना पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये आप देखेंगे तो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में हमारे ख्याल से पेंच आपका मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में क्या क्या है बहुत सारे है मध्य प्रदेश में जैसे कान्हा है माधव है बांधवगढ़ है राइट उसके बाद फोसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी है पेंच टाइगर रिजर्व है या पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना है सतपुड़ा है राइट संजय है ओंकारेश्वर है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये सारे के सारे कहाँ पर है तो ये मध्य प्रदेश में है ये आपको याद रखना है तो मध्य प्रदेश जितने भी आप भी आंसर कर रहे हैं बीस का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं बी बीस का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बी और भद्रा या तुंग भद्रा कहां पर है भद्रा या तुंग भद्रा जो है आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा भद्रा या तुंग भद्रा कहां पर है ये कर्नाटक आपको ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नागर होल भी कहां पर है ये कर्नाटक में आपको ध्यान रखना है और बताइएगा कि अंसी मैंने कहां पर बताया था चलिए शुरुआत में मैंने बताया था अगर आपको ध्यान है तो फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा निम्न में से किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है और देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान हमने कई बार डिस्कस कर दिया है और सुनिएगा जरा ध्यान से मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले कांची की बात कर ले राइट ये सारे के सारे कहाँ पर है असम में है और कौन सा असम में है बताइए उरांग है डिब्रू सैखोआ है नामेरी है रायमोना है दहिंग पटकाई है ये सारे के सारे असम में है और असम जितने भी आप आंसर कर रहे हैं असम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लगभग सभी की तरफ से आंसर आ चुका है असम 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 ठीक चलिए सिक्किम से कुछ याद रखा जा सकता है अगर किन्हीं को याद है सिक्किम तो किस सिक्किम से आप एक ही चीज याद रख सकते हैं क्या कंचन जंगा राष्ट्रीय उद्यान कंचन कंचन जंगा राष्ट्रीय उद्यान आप सिक्किम से हंड्रेड परसेंट याद रख सकते हैं ओके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना था अब आपके सामने किया गया रामसर साइट अब देखिए अगर अपडेटेड 2024 तक मैं बताऊं तो जो रामसर साइट की संख्या हो गई है अब इसकी संख्या पहले तो 75 थी 75 लेकिन पांच इसमें ऐड हो गए हैं ये पांच कौन कौन से ऐड हुए हैं अगर आपको याद है तो आप फटाफट से कमेंट कीजिएगा पांच ऐड हो गए हैं ठीक है उसके बाद फिर बताइएगा कि सबसे ज्यादा रामसर साइट पहले फोर्टीन तमिलनाडु में हुआ करता था लेकिन दो इसमें ऐड हो गया और अब इसकी संख्या हो गई सोलह ठीक है उत्तर प्रदेश में, में मेरे ख्याल से ये दस है और ये पांच कौन कौन सा है तो तमिलनाडु में अब देखेंगे कि दो नया जोड़ा गया है तमिलनाडु में दो नया जोड़ा गया है कौन कौन सा है तो ये आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा कराई वेटी मैं लिख दू क्या कराई वेटी पक्षी अभ्यारण्य कराई वेटी पक्षी अभ्यारण्य का आप याद रख लीजिएगा और एक लॉन्ग लोंगवुड शोला लॉन्ग ये देखिए नए वाले आपसे पूछा जा सकता है तो आप इस, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं लॉन्ग लॉन्गवुड शोला ये जो नए वाले हैं वो मैं बता दे रहा हूँ तो दो तमिलनाडु से तो तमिलनाडु में पहले चौदह थे दो बढ़ गए हैं इसकी संख्या अब सोलह हो गई जो कि सबसे ज्यादा रामसर साइट है राइट उसके बाद एक और तो दो हो गए यहाँ पर एक एक दो दो तमिलनाडु से और कर्नाटक से मेरे ख्याल से तीन है अगर मैं गलत नहीं हूं तीन कौन कौन से हैं कर्नाटक से तो एक मागदी केरे संरक्षण रिजर्व है एक अंक समुद्र पक्ष अभ्यारण है और एक अग्ना सीनी एश्चुरी है ये तीन कर्नाटक में है और दो तमिलनाडु में इस तरीके से टोटल पांच बढ़ गए और इसकी संख्या कितनी हो गई इसकी संख्या हो गई टोटल अस्सी रामसर कन्वेशन कब हुआ था बताइए ईरान में एक जगह है नाइनटीन में हुआ था और रामसर डे कब मनाया जाता है बताइए आद्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है दो फरवरी को मनाया जाता है तीन फरवरी को मनाया जाता है पांच या एक फटाफट फड़ से कमेंट कीजिए ऑप्शन दे दिया है ठीक है ये आपको याद रखना है पहला रामसर साइट अगर आपसे पूछेगा कि फर्स्ट रामसर साइट कौन सा था तो आपको याद रखना है कि ओडिशा का जो आप चिल्का देखते हैं ना चिल्का ये पहला रामसर साइट है जो कि कब ऐड किया गया था उन्नीस में ठीक है तो भारत की पहली रामसर साइट चिल्का है जिसे कब उन्नीस इक्सी में प्राप्त हुआ था और सबसे बड़ा अगर रामसर पूछेगा तो सुंदरवन वेटलैंड आपका वेस्ट बंगाल का है ये आपको जरूर याद रखना और सबसे छोटा अगर आपसे पूछेगा ना ये सबसे छोटा कौन सा है सबसे छोटा तो सबसे छोटा आपको रेणुका याद रखना है रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है रेणुका कहाँ पर है तो ये हिमाचल प्रदेश में है क्या क्या मैंने रिपीट किया है सुनिए जरा ध्यान से तो चिल्का चिल्का याद रख लीजिएगा चिल्का झील जो है 1981 में सबसे भारत का पहला है सबसे बड़ा आपका कौन सा है सुंदरवन वेटलैंड है जो पश्चिम बंगाल में है और सबसे छोटा जो है ये रेणुका है जो कि हिमाचल प्रदेश में है तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है राइट ओके तो इस प्रश्न का उत्तर कीजिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का और नाइनटीन का आंसर क्या हो जाएगा आद्र भूमि जितनी भी आप ए आंसर कर रहे हैं ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और दो फरवरी जितने भी आंसर कर रहे हैं रामसर कन्वेंशन का हुआ था तो ऑफ़ चूंकि आपसे पांच बढ़ा है ना पचहत्तर से तो एक पचहत्तरवा भी कई बार आपसे पूछा गया एग्जाम में तो पचहत्तरवा भी याद रख लीजिएगा कि पचहत्तरवा कौन सा है तो कांजीर कोल्लम पक्ष अभ्यारण है जो कि तमिलनाडु में है ठीक है कांजीर कुलम पक्षी ये आपको याद रखना सेवेंटी फिफ्थ नंबर का ठीक ओके okay. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भद्रा वन्य जीव अभ्यारण कहां पर है भद्रा की बात करें तुंग भद्रा की बात करें ये कहां पर है नागरहोल की बात करें बताइए आंसर कीजिए भद्रा तुंग भद्रा बन्नेर घट्टा बांदीपुर नागर होल राइट उन्द्र मुख अंसी ये सारे के सारे कहां पर है कर्नाटक में है तो अंसी मैंने आपसे पूछा भी था याद आया कुछ अंसी मैंने बताया था एक अंसी आपको याद रखना है एक मुख याद रखना है जो नया टाइप से आपको लगेगा वो मैं बताते रहू आपको और एक आप क्या याद रख सकते हैं बाकी आप जानते हैं ठीक है एक भद्रा आपको ध्यान रखना है और तुम भद्रा याद रखना है ये तीन जो नया टाइप से लगेगा बाकी आपने नाम सुना ही होगा जैसे बन्नेर घट्टा कई बार आपने नाम सुना है बांदीपुर देखिए बांदीपुर और बांधवगढ़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपसे बांदीपुर पूछता है ना बापुर तब आप आंसर कर्नाटका करेंगे लेकिन बांधवगढ़ आपसे अगर बात करते हैं बांधवगढ़ बांधवगढ़ तो ये मध्य प्रदेश में हो जाता है ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप जरूर याद रख लीजिएगा और गुजरात से हमने क्या किया बताया बताइए गुजरात से एक बार आप रिविजन कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हमने बताया कि वसंधा याद रख लीजिएगा गुजरात से वसंधा उसके बाद एक गिर तो आपको याद ही होगा ब्लैक बक भी आपको याद होगा लेकिन जरूर याद रख लीजिएगा जितने भी आप अच्छा तो एक एक लाइक ईमानदारी के साथ में कर दीजिएगा मुझे बोलना ना पड़े मैं बूच बीच में बोलना छोड़ दिया हूँ राइट तो आप लोग भी लाइक करना छोड़ देते हैं सब्सक्राइब तो खैर करते नहीं तो दूर की बात है एट तो एटलीस्ट इतना कर दिया करिए अच्छा लगेगा आपको बताएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नोरा वैली नेशनल पार्क स्थित है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर कीजिए और आपको अच्छा लगे या न लगे मुझे एटलीस्ट अच्छा लगेगा तो प्लीज एक बार आप लोग लाइक शेयर कर दिया करिए अच्छा लगेगा मुझे भी आपको ट्वेंटी वन का आंसर कीजिए ट्वेंटी वन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या बताइए नाओरा नाओरा है याद रखियेगा नरोरा नहीं है नरोरा और नवोरा दो अलग अलग, अलग चीजें हैं ये आपको ध्यान रखना है मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है अब आप नरोरा देख के असम मत ढूंढिए पर आंसर क्या होगा पश्चिम बंगाल होगा तो जितने भी आप पश्चिम बंगाल आंसर कर रहे हैं पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल अब आंसर आना शुरू हो गया और पश्चिम बंगाल में हमने क्या क्या बताया था बताई सुंदर वन है बक्सा है जल्दा पारा है सिंगा लीला हमने बताया कि सिंगा लीला को तो आपको याद हो ही क्या होगा सिंगा लीला ठीक है एक हमने आपको बताया ना ओ रा वेली ये भी कहां पर है तो ये पश्चिम बंगाल में जो आपसे पूछा हुआ है और एक गोरुमारा हमने कई बार आपको बता दिया इसी वीडियो में तो गोरुमारा भी आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट ये तीन आप नया मतलब नया क्या मतलब जो आप बोलते हैं वो एटलीस्ट याद रख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और केरल से चलिए एक बार केरल से रिविजन करिएगा जरा केरल से आप क्या क्या याद रख सकते हैं बताइए केरल से एक आप याद रख सकते हैं क्या पमदुम पमदुम राष्ट्रीय उद्यान कितने लोगों को पता था पमदुम इरावी तो आपको पता ही है एक मथी केतन याद रखिएगा केतन मथिकेतन केतन आपको याद रखना है इराविकुलम सबको पता होगा फिर भी लिख लीजिए इरावी कुलम इरावी कुलम ये आपको ध्यान रख लेना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको भी पता है कि कितने इंपॉर्टेंट है चलिए हिमाचल प्रदेश से अगर कुछ कुछ आप बताना चाहें तो क्या क्या बताना पसंद करेंगे बताइए हिमाचल प्रदेश से एक तो खीर गंगा याद रखना है आपको खीर गंगा जो कि लगभग जनों को पता होता है ये खीर गंगा आपका हिमाचल प्रदेश में है इंद्र किला ये ये बहुत कम चरों को पता होता है तो आप ये नोट कर सकते हैं इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है हिमाचल प्रदेश में और एक पिन वैली काफी फेमस है और ये भी लगभग लोगों को पता होता है तो एक इंद्र किला आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि खीर गंगा और पिन वैली लगभग लगभग सभी लोग को याद होगा एक और अगर चाहे तो हिमाचल प्रदेश से आपको रिलेट कर लीजिएगा कौन सा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये आप याद रख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश में है तो सारे सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है राइट ओके अगला है आपके लिए कि निम्न से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में है बताइए कौन सा केरल में है तो इराबी कोलम अभी तुरंत हमने बताया तो ऑप्शन नंबर आप डी आंसर कर सकते हैं वेरी इजी है ना अभी तुरंत हमने डिस्कस किया ही है सारे के सारे अगला है कि किस वर्ष कांजेरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था चलिए ट्वेंटी थ्री का आंसर क्या हो जाएगा आरक्षित वन इनको घोषित किया गया था उन्नीस सौ आठ में ऑप्शन तो नंबर सी हो जाएगा कांजीरंगा कहाँ पर है तो ये असम में है और असम का कौन कौन सा हमने बताया है फटाफट से एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बांधवगढ़ भी हमने एक्सप्लेन किया है कि बांधवगढ़ की बात कर ले या फिर चलिए मध्य प्रदेश में हमने क्या क्या बताया है मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में एक चलिए कुछ टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व जरा कुछ जो नए टाइप से कुछ सुनने में लग सकते हैं वो हम लोग कर लेते हैं एक तो आपको याद रखना है इंदिरा प्रिय दर्शनी इंदिरा शनी पेंच टाइगर रिजर्व ये आपको पता होगा पेंच सुनते ही आपके दिमाग में मध्य प्रदेश आ जाता है बांधवगढ़ है पन्ना है संजय है सतपुड़ा है कान्हा है ये सारे के सारे नाम सुने हुए हैं आपके तो हम इसमें ज्यादा से मैंने देने वाले हैं तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी हैं डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आंसर कीजिएगा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है पिन घाटी अभी तुरंत हमने बताया पिन घाटी बात कर लें या फिर और किसका खीर गंगा अभी तुरंत हमने बताया था, था खीर गंगा है ना खीर गंगा पिन घाटी तो है ही इसके अलावा और क्या बताया है? हमने ग्रेट हिमालयन ग्रेट हिमालयन और एक इंद्रकिला तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश से हमने क्या क्या बताया बताइए अरुणाचल प्रदेश से अभी तुरंत हमने बताया था, था क्या क्या बताया था कमेंट देखिए फटाफट फड़ से आप लोग कमेंट किया करिए ना नाम दफा और मॉलिंग मॉलिंग तो आपको याद रखना पड़ेगा मॉलिंग और नाम दफा आपका अरुणाचल प्रदेश में है वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जितने भी हिमाचल प्रदेश आप आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है ठीक है ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बताइएगा कि हिम तेंदुओं पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क जो कि कहां पर है तो ये आपका जो है वो लद्दाख में है ये आपको जरूर याद रखना है तो लद्दाख जितने भी आप आंसर कर रहे हैं लद्दाख इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट लद्दाख 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 ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आंसर कीजिए कर्नाटक का कौन सा बाघ आरक्षण सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है बताइए कर्नाटक की बात करते हैं तो रंधम तो ये राजस्थान में ये तो होने वाला नहीं है बाकी आप बताइए इसमें से कान्हा टाइगर रिजर्व कहां तो पर तो है ये 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 बताइए तो तो कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है है भी नहीं होने वाला नागर होल होगा या तो आपका क्या होगा बांधोगढ़ होगा तो ट्वेंटी सेवन का आंसर कीजिए जरा कितने लोग आंसर करेंगे तो नागर होल बाघ आरक्ष जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है नगर होल बाघ अभ्यारण्य जितने भी आप आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है यानी कि आंसर क्या होगा अच्छा कर्नाटक से कर्नाटक से एक और आप ध्यान रखते हैं पता है? कौन सा बताइए कौन सा बीलीगिरी रंगनाथ टैगर रिजर्व नोट करिएगा जरा बीलीगिरी रंगनाथ टैगर रिजर्व ये मैंने बता दिया है बाकी आपने तो और टाइगर रिजर्व का नाम सुना ही है जैसे हमने क्या क्या बताया है बताइए तो बन्नेर घट्टा बांदीपुर राइट होल कुमुख अंसी राइट ये सारे के सारे कर्नाटक में है तो कर्नाटक में एक अंसी भी आप जरूर याद रख लीजिएगा और कुंद्रे मुख भी आपको ध्यान रखना और एक वीली गिरि रंगनाथ टाइगर रिजर्व ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भारत में संकटग्रस्त ग्रस्त एस्चूरी के लिए संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण सबसे प्रसिद्ध है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का आंसर कीजिए और ट्वेंटी एट का भी आंसर आना चाहिए सभी की तरफ से ओडिशा में कौन कौन सा है ये आप एक बार दोबारा से बताइए तो एक भितरकनिका है सिमली पाल है राइट ये कहाँ पर है ये आपका ओडिशा में है भितरकनिका और सिमली पाल आपका ओडिशा में है और ये आंसर भी है ऑप्शन तो नंबर बी जितने भी चूज कर रहे हैं सही है अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन होगा ट्वेंटी नंबर ट्वेंटी नंबर बार नौपारा वनिजी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के रेडीमेड क्वेश्चन नहीं है मेरे मतलब तो रेडीमेड क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के ये मेरे द्वारा बनाए नहीं गए नहीं है तो ये इजी या हार्ड जो भी आप मान रहे हैं अपने हिसाब से मानिए लेकिन ये है प्रीवियस ईयर का छत्तीसगढ़ आपके सामने आ गया और छत्तीसगढ़ से आप क्या क्या ध्यान रखेंगे चलिए छत्तीसगढ़ से आपको क्या क्या ध्यान रखना है क्या क्या याद है कमेंट कीजिएगा जरा छत्तीसगढ़ से सबसे पहले तो एक इंद्रावती आपको जरूर याद आता होगा इंद्रावती ठीक है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान गुर गुरु घासीदास आपको जरूर याद आता होगा घासीदास और कौन सा आपको ध्यान रखना है कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ तो से एटलीस्ट तीन जरूर आदेश लीजिएगा और डी प्रश्न का उत्तर है जितने भी डी आंसर कर रहे हैं और बार नौपारा वन्य जीव अभ्यारण भी कहां पर है ये आपका छत्तीसगढ़ में है जो आपको ध्यान रखना है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी है ना तो ट्वेंटी नाइन का क्या है ट्वेंटी नाइन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जितने भी कर रहे हैं सही है अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बताना है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है बताइए किस राज्य में नहीं है ये आपको बताना है मतलब तो राज्य को कौन से हिस्सा में नहीं है हिस्सा में मतलब आप देखते होंगे कि बहुत सारे अभ्यारण्य जो है तीन चार राज्य में वो फैले होते हैं तो कौन सा किस राज्य का हिस्सा नहीं है वो बताना है एक्चुअली तो क्वेश्चन नंबर थर्टी का आंसर कीजिएगा जरा एक बार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरियाणा में नहीं है बाकी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये फैला हुआ है लेकिन ये हरियाणा का हिस्सा नहीं है ऑप्शन नंबर आप सी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और हरियाणा से आपको कौन कौन सा टाइगर रिजर्व या फिर जो आपका नेशनल पार्क है वो याद आता है फटाफट -पड़ से बताइएगा हरियाणा से क्या क्या आप ध्यान रख सकते हैं कितने लोगों को पता है कमेंट कीजिएगा जरा हरियाणा से चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हरियाणा से देखिए अगर आपसे पूछ लेता है ना अगर हरियाणा से पूछ रहा है तो एक आप सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको जरूर याद रखना है सुल्तानपुर आप जरूर याद रख लीजिएगा हरियाणा से एटलीस्ट ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन आंसर कीजिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है ये भी मेरे ख्याल से इसी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और ये कहाँ पर है ये आंसर कीजिएगा जरा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का आंसर कीजिए और इसका आंसर क्या आ रहा है पोर्ट ब्लेयर जितने भी आप आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं या और ये देखिए कई सारे एग्जाम में एस एस सी दो हजार उन्नीस में सी डी एस में तो ये पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट नाम मार्क कर सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर है तो ये पोर्ट ब्लेयर में है दैट इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू और आंसर कीजिए कि बांदीपुर ये बांधवगढ़ नहीं है यह बांदीपुर है तो बांदीपुर कहां पर रहे तो जहां पर क्या क्या है अंसी है अंसी कहां पर है बताइए अंसी कहां पर है आप लोग कर्नाटक में है और उसके बाद कुंद्रे मुखी कहां पर है कर्नाटक में है तो थर्टी टू का आंसर कीजिए थर्टी टू का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और डी जितने भी आंसर कर रहे हैं डी का बिल्कुल सही आंसर होगा और गुजरात में हमने क्या बताया था गुजरात में गुजरात में हमने बताया था समुद्री या समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और एक बसंता मैंने बताया था ना कि वसंता जरूर याद रख लीजिएगा वसंता राष्ट्रीय उद्यान है और एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है ब्लैक बक है ये सारे के सारे कहाँ पर है गुजरात में है और केरल तो मैंने बता ही दिया है दस तो कम से कम पचासों पार्क मैंने बता दिया इसी वीडियो में राइट ओके भारत का कौन सा सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है सबसे पुराना तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो ये हेमिस है सबसे बड़ा जो कहां पर है ये लद्दाख में सबसे छोटा पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान तो ये साउथ बटन है जो कि कहाँ पर है अंडमान निकोबार में ये हमने आपको बता दिया था और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछेगा तो नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पूछेगा तब आपको याद रखना है बोर टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व है जो कि कहां पर है यह महाराष्ट्र में है तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो नागार्जुन फिर सैलम टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में यह हमने बताया साउथ बटन सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है, है राइट और सबसे पुराना कौन सा है ये आप आंसर कीजिए थर्टी थ्री का सबसे पुराना आपका बताइए आंसर कीजिए तो राजा जी या जिम कार्बेट दोनों में से क्या होगा बताइए कितने लोग आंसर करेंगे डी ऑप्शन जिम कार्बेट जिम कार्बेट ठीक है तो जिम कार्बेट जितने भी आप आंसर कर रहे हैं जिम कार्बेट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी लगभग सभी की तरफ से आंसर सही आ रहा है और डी जितने भी कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कहां पर राजस्थान में इजी है आगे बढ़ते हैं रामसर समझौता कब हुआ इकहत्तर में और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने अभी बहुत अच्छे से दे दिया है दुनिया का सबसे बड़ा वेटलिनट अब पेंटानल वेटलैंड किस देश में स्थित है ये तो इंपॉर्टेंट है आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए पहले तो और इस प्रश्न का उत्तर कीजिए क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा जितने भी लोग हैं आप लोग ईमानदारी के साथ में आंसर कर दिया करिए है ना तो थर्टी सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा ब्राजील तो ब्राजील जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा और लगभग अब सभी की तरफ से आंसर आना शुरू हो गया है ठीक है ब्राजील अगला क्वेश्चन आपके लिए आंसर कीजिए भारत का सबसे छोटा रामस्थल रेणुका है जो कि अभी हमने बताया हिमाचल प्रदेश में है ये हमने आपको बता दिया था और बहुत बार बताया है ठीक है बताया कि किस राज्य में ऊपरी गंगा रामसर सैट स्थित है रामसर सैट के बारे में हमने बताया ना कि सबसे ज्यादा जो रामसर सैट है तमिलनाडु में है पहले ये था दो बढ़ के कितना हो गया तो टोटल सोलह रामसर सैट है उत्तर प्रदेश में दस है और अभी इसकी संख्या पचहत्तर पहले थी और पांच बढ़ गई है और कौन कौन सा पांच बढ़ा है ये हमने इसी वीडियो में बताया है तो आप जाके एक बार जरूर दोबारा पीछे देखिए है ना थर्टी तो एट का आंसर कीजिए का आंसर क्या होगा थर्टी एट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश जितने भी आप आंसर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और लगभग का सभी की तरफ से इसका आंसर आना शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के बात करते हैं तो यहाँ पर और कौन कौन सा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है ये आप बताइएगा जरा कितने लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है एक बखीरा याद रख लीजिएगा हैदरपुर और सूर सरोवर इतना तो आपको याद रखना ही है तीन कम से कम आप जरूर याद रख लीजिएगा तीन इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है एक बखीरा याद रखिएगा बखीरा एक आप याद रख लीजिएगा हैदरपुर और एक सूर सरोवर कम से कम तीन आपको उत्तर प्रदेश से जरूर याद रखना जो बार बार एग्जाम में पूछ लेता है किस राज्य में आपको चंद्रताल आर्द्र भूमि मिलेगी चंद्रताल आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का आंसर और थर्टी नाइन का आंसर क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ही आपका रेणुका है जो सबसे छोटा है सबसे छोटा कौन सा है तो हिमाचल प्रदेश का रेणुका है जो सबसे छोटा है ये मैंने आपको बता दिया है और हिमाचल प्रदेश जितने भी आप आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है नेक्स्ट भोज वेटलैंड जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी का आंसर कीजिए किस राज्य में स्थित है भोज बताइए देखिए मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से एक कम से कम याद रख लीजिएगा जरूर यशवंत सागर यशवंत सागर भी कहां पर है यह मध्य प्रदेश में है और भोज वेटलैंड भी कहां पर है तो यह आपका मध्य प्रदेश में है तो ऑप्शन नंबर बी आप जरूर याद रख लीजिएगा बी उदी करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण कर्नाटक के किस जिले में है ब्रह्मागिरी वन्य जीव कर्नाटक के किस जिले में है बताइए तो याद रख लीजिएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोडांगू ठीक है पोडांगू तो इसका आंसर हो जाएगा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी और कर्नाटक हमने बता दिया है कई बार बताया है आपको कि कर्नाटक में आपको क्या क्या मिलेगा क्या क्या याद नागर होल है नागरहोल हमने बताया कर्नाटक में भद्रा बताया है उसके बाद बीलीगिरी बताया है राइट बांदीपुर है ये सारे के सारे कहा पर है ये आपके कर्नाटका में है ठीक है तो डी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्या कर्नाटक में हमने बताया है बताइए कर्नाटक में एक अंशी मैंने बताया है बार बार बताया है ठीक है अंशी जरूर आपको याद रखना है बने घट्टा बांदीपुर ये तो जानते ही हैं अपना कर मुखी ये सारे कुछ हमने बता दिए हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन विक्रम वो करते हैं की आर्द्र भूमि डॉट डॉट में स्थित है मतलब कहाँ पर स्थित है फोर्टी टू का आंसर क्या हो जाएगा बताइए जी कहाँ पर है जहां पेरियार और पेराबी कोलम है ठीक है और रेरावी कोलम है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और आ, केरल से एक चीज और याद रख लीजिएगा क्या टैलेंट वैली तो आपको पता ही होगा सभी को राइट एक पमदुम पमदुम राष्ट्रीय उद्यान आपको केरल से जरूर याद रखना है बाकी आप पेरावी कोलम जानते हैं एक और मैंने आपको बताया था क्या बताया था मथिकेतन मथिकेतन ठीक है तो ये दो एटलीस्ट आप यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा बाकी आप जानते हैं पेरियार जानते हैं फिर अन्ना शोला जानते हैं राइट साइलेंट वैली भी सभी को पता होता है रावी कोल्लम भी लगभग सभी को पता होता है लेकिन जो मैंने दो बताया है पंबदुम और मिथिकेतन ये बहुत कम जनों को पता होता है तो आप ये वाले जरूर नोट कर लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री बताएगा कि दांदेली वनिज्य अभ्यारण्य में से किस राज्य में है दांदेली वनजी अभ्यारण और इस सारे के ये देखिए दो हजार इक्कीस का है तो कहीं ना कहीं सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं तो आपको परेशान नहीं होना है कि कुछ अनवांटेड क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा छोटे तरीका तो आंसर कीजिए पहले ऑप्शन नंबर एक तो जितने भी कर्नाटका आंसर कर रहे हैं कर्नाटका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और कर्नाटका से हमने क्या क्या याद रखने को कहा अब तक चीजें याद हो गई होगी एक तो मैंने बताया कि अंशी याद रखना है कर्नाटक से कर्नाटक से एक आपको क्या याद रखना है केंद्रीय मुख याद रखना है आपको कुंद्रे मुख जो कर्नाटक से आप याद रखेंगे जो आप बोलते हैं या फिर नया लगेगा आपको वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तो ये आप जरूर याद रख लीजिएगा कर्नाटक से ठीक है एक भद्रा तो है ही जो आप जानते हैं भद्रा रहे या तुम भद्रा रहे अब कर्नाटक आप इजीली आंसर कर लीजिएगा ठीक है ओके okay. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फोर्टी फोर नंबर कंचन जंगा बायो रिजर्व कहाँ पर ही सिक्किम में है सभी को जानते हैं और हिमाचल प्रदेश हमने बता दिया है कौन सा चलिए हिमाचल प्रदेश थोड़ा फिर से करते हैं हिमाचल प्रदेश हमने एक आपको क्या बताया था सिंबल बारह बताया है क्या नहीं बताया होगा नोट करिए एक सिंबल बारह याद रखिए और इंद्र किला तो बताया ही है इंद्र किला आपको ध्यान रखना है हिर गंगा तो आपको ध्यान ही है गंगा गंगा है ना सभी को पता होता है और एक आपका पिन वैली तो लगभग लगभग सभी जन को पता होता है तो ये दो नया आपको नाम लग सकता है एक है सिंबल बारा सिंबल बारा और इंद्र किला ये दो नया नाम है बाकी पिन वैली पता है ग्रेट हिमालयन ग्रेट हिमालयन भी आप याद रख सकते हैं जो कहाँ पर है ये आपका हिमाचल प्रदेश में ही है और हिमाचल प्रदेश ये सारा है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर सिक्किम है और जितने भी बी आंसर कर रहे हैं हैं सही है आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ ये लीजिए और ये भी एल में पूछा गया है तो बताइएगा कि लोवा खोवा वाणिज्य अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित है क्वेश्चन नंबर फोर्टी देख रहे आप क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो बताइए प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन नंबर तांगपो के नाम से इसे कहा जाना, से से जाना जाता है ये आप आंसर कर दीजिएगा जरा कितने लोग आंसर करते हैं और जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्या क्या उपनाम नाम से इसको जाना जाता है ये आप जरा कमेंट कीजिएगा उपनाम से और किस किस उपनाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित बताइए शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है ये आप आंसर कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स का आंसर कीजिए बार बताइए इसका आंसर आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश कर रहे हैं शुरू हो गया है और इसका का मैंने एक बताया था ना कि नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व जरूर याद रख लीजिएगा श्री शैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश वाला क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षण है आंध्र प्रदेश में तो ये आपको याद रखना है कौन सा एक आप जर्व याद रख लीजिएगा नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व वैसे इस प्रश्न का उत्तर आप डी कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो अच्छी बात है क्योंकि डी इस प्रश्न का सही उत्तर है और आंध्र प्रदेश से क्या क्या याद रख सकते हैं तो आंध्र प्रदेश से कम से कम दो याद रखिए एक तो कावला वन्यजीव जीव अभ्यारण है आपका कावला वन्यजीव जीव एक आप पाखल याद रख सकते हैं पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य राइट right. ये आपको याद रखना और हमने क्या बताया नागार्जुन नागार्जुन श्रीशैलम क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ठीक है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है तो नागार्जुन श्री सैलम आंध्र प्रदेश ठीक ओके अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे सेशन अच्छा लग रहा है एक बार बताइए कि आ, सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक एक लाइक ईमानदारी के साथ कर दीजिएगा और पिन किया हुआ है ऊपर में झारवन जी के प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ये आपका ही चैनल है चलिए थ्योरी क्लास हो सकता है कुछ थ्योरी क्लासेस यहाँ आपको देखने को मिलेगा झारवन जी के को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ थ्योरी क्लासेस आपको मिल जाए और जैसे सीजीएल से रिलेटेड गुड न्यूज बहुत जल्दी मिलने वाला है आपको ठीक है बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाला है तो इसे झारवण जीको को प्लीज ईमानदारी से सभी लोग जाके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा पच्चीस छब्बीस लोग लाइव हैं सारे जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर मतलब क्लास अगर आप लाइक करते हैं तो इसे भी जाके आप जरूर एक बार ये कर दीजिएगा अगर थोड़ा सा भी मैं आपके तैयारी में कुछ कुछ योगदान दे रहा हूं एक आध परसेंट भी तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा का बायोस्फीयर रिजर्व आ, किस राज्य में स्थित है नोकरेक आंसर कीजिएगा ये तो अब तक तो याद हो गया होगा क्योंकि मैंने कई बार चीजें रिपीट की हैं आंसर कीजिए मेघालय तो नौकरी और बाल पकरम पकरम ठीक है बाल या पकरम जो भी है ये कहां पर है मेघालय में है तो जितने भी आप मेघालय आंसर कर रहे हैं मेघालय इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा राइट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन और बताइए कि आज का सेशन आपको कैसे लगा देखिए एक चीज और मैंने क्या किया है कि लोग बोलते हैं कि पीडीएफ दीजिए सर और पीडीएफ का आंसर भी दीजिए तो ये देखिएगा जरा ये पीडीएफ है है ना ये पीडीएफ है और इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये देखिए एक बार ध्यान से देखिए दो मिनट सभी कोई समय दीजिए ना इतना समय दिए हैं दो मिनट और दीजिए सुनी जरा ध्यान से एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा डोंट वरी और पीडीएफ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये टेलीग्राम में मिल जाता है तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हैप्पी स्टडी जोन सर्च कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं दिखाता हूँ आपको मजा आएगा देख के इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इस तरीके से तैयार किया है देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत ही शानदार है चारों ऑप्शन को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है ये देखिए सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं अच्छे से तो एक बार भी वीडियो देखने के बाद अब रीड कर लेते हैं जल्दी में तो आपके लिए कितना बढ़िया रहेगा ये देखिए राजस्थान में जो भी है एक साथ है मध्य प्रदेश में जो भी है एक साथ है राइट तो ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने आपको ये दे दिया है तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है गाइस तो ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा और वीडियो देखने के बाद या फिर आपने एक दो बार वीडियो देख लिया है और ये वाला अगर आप एक बार रीड भी कर लेते हैं तो चीजें आपको याद हो जाएंगी ठीक है तो देखिए शानदार एक्सप्लेनेशन मैंने तैयार किया है सिर्फ आपके लिए ये देखिए गूंगा माल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है तो ऐसे, ऐसे कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो ये आपके लिए देखिए मैंने पूछा था ना कि सोनीतपुर तो हाथी रिजर्व यहाँ पर है किसी की तरफ से आंसर नहीं आया था और इसका आंसर दिया हुआ असम में स्थित है ठीक है तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर दे दिया है देखिए पेपारा पेपारा देखे था ना कि केरल में है पेरियार भी है कोलम है तो ये मैंने आपको बताया था तो ये है तो ये आपका एक्सप्लेनेशन वाला पीडीएफ है जो तो कि पहले तो आप वो खुद टेस्ट लगा लीजिए और फिर उसका explanation एक बार रीड कर लीजिए तो आपका काम हो जाना है एक से दो क्वेश्चन तो तो आपका फिक्स से से हो जाता है राइट को जाइए और फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो उसको थ्योरी क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगा तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और जितने लोग बाद में देखते हैं ना वो भी एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगता है और क्या इसमें कुछ और सुझाव है आपका तो आप अपना सुझाव जरूर ऐड किया करें कमेंट सेक्शन में तो आज के लिए सेशन इतना आए बाकी मिलते हैं क्लास में तब तक के लिए चाहिए